हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं बच्चे से लेके बड़े सबको बेहद पसंद आने वाली सिंधी कढ़ी की रेसिपी। ये रेसिपी हर सिंधी घर में बनती है और अगर आप भी बनाएंगे तो आपकी भी फेमस हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, आज की रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और बेल घंटी के साथ प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलो दोस्तों, लेट ना करते हुए रेसिपी की करेंगे शुरुआत। दोस्तों, सिंधी कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 3 चम्मच बेसन। आपके घर में अगर बेसन नहीं है तो आप चना दाल को पीस के भी ले सकते हो। इसके बाद हम लेंगे खट्टा वाला इमली, थोड़ा सा इमली लेना है। इसके अंदर गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करके भिगोने के लिए रख दीजिएगा आधे घंटे के लिए। और यहाँ पर हम लेंगे 2 बैंगन, इसको भी धो के वॉश कर लिया है। इसको बाद में कट करेंगे, नहीं तो बैंगन काला हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर 100 ग्राम के करीब हम लेंगे सहजन फली, 100 से 150 ग्राम लेंगे फूलगोभी, इसको भी धो के वॉश करके कट लगा लिया है बड़े बड़े पीसेस में। यहाँ पर हम लेंगे 100 से 150 ग्राम भिंडी, भिंडी को धो के कपड़े से पहले पोंछ लेना है और बड़ी बड़ी स्लाइस में कट लगा लेना है। इसके अलावा आलू भी लेंगे, लेकिन आपको दिखाना भूल चुके हैं, बाद में दिखाएंगे हम आपको आलू भी। तो दोस्तों, हमने गैस की फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई के अंदर ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ऐड करेंगे फूलगोभी। फूलगोभी को एकदम अच्छे से नहीं पका लेना है, थोड़ा सा अंदर कच्चापन रहना चाहिए। तो देखिए, फूलगोभी हमारा थोड़ा सा पक चुका है, एकदम अच्छे से नहीं पकाया है, थोड़ा सा कच्चापन है आप देख सकते हो। तो फूलगोभी को निकालने के बाद अब ऐड करेंगे भिंडी और बैंगन। बैंगन को हमने पहले से कट नहीं लगाया था, बाद में कट लगा के ऑयल के अंदर ऐड किया है ताकि काला भी ना हो जाए और कड़वाहट भी ना आ जाए। बैंगन और भिंडी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा कच्चापन है अभी बाकी, तो इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 1 बड़ा आलू लिया था, इसको भी धो के वॉश करके छिलके हटा के फ्राई कर लेंगे। देखिए, बड़े बड़े स्लाइस में कट लगाया था आलू को भी। अब यहाँ पर लेंगे 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा लहसुन लिया है, 2 से 3 कली, इसको कट लगा लिया है। अब वापस इसी कढ़ाई के अंदर ऑयल बचा लिया है, ऑयल गर्म ही है ऑलरेडी, तो इसके अंदर 1 चम्मच ऐड कर लेंगे सरसों और 1 चम्मच ऐड कर लेंगे जीरा। दोनों को अच्छे से पकने के बाद ऐड करेंगे थोड़ा सा चुटकी भर के हींग। हींग अच्छे से पक जाए, इसके बाद करी लीव्स ऐड करेंगे। करी लीव्स से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। और अब ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन ऑप्शनली आपको अगर नहीं ऐड करना है तो आप ना ऐड कीजिए। आप अगर प्याज और लहसुन नहीं खाते हो तो आप ना ऐड करें लहसुन को भी। हमने प्याज तो नहीं डाला है लेकिन लहसुन ऐड किया है। आपको अगर नहीं ऐड करना है तो आप ना ऐड कीजिए। अब ऐड करेंगे बेसन, बिना लहसुन के भी बहुत ही बढ़िया लगता है ये कढ़ी। बेसन को थोड़ा सा सुनहरा होने तक पका लेंगे ऑयल के अंदर ताकि टेस्ट एकदम बढ़िया आ जाए कढ़ी के अंदर। बेसन भुन चुका है, अब ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 2 चम्मच रेड चिली पाउडर। सारे मसालों को अच्छे से बेसन के अंदर मिक्स कर लेना है। दोस्तों, मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब ऐड करेंगे वेजिटेबल। भिंडी, फूलगोभी, बैंगन, आलू, सहजन फली सबको ऐड कर लेंगे और हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे मसालों को वेजिटेबल के अंदर। वेजिटेबल और मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गर्म पानी करके रखा है, वो भी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे। टोटल यहाँ पर हम 4 ग्लास के करीब पानी ऐड करेंगे। आपकी जितनी फैमिली है इसके हिसाब से आप वेजिटेबल लीजिएगा और इसके हिसाब से ही पानी ऐड कीजिएगा। तो 4 ग्लास पानी ऐड कर लिया है, अब ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक और इसको पकने के लिए छोड़ेंगे 6 से 7 मिनट के लिए। देखिए, 6 से 7 मिनट हो चुकी है। अब धनिया पत्ती ऐड करेंगे कट करके, हरा वाला धनिया पत्ती ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है। दोस्तों, अब ऐड करेंगे इमली का पल्प और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इमली का पल्प ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ज़्यादा खट्टापन आ जाएगा कढ़ी में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो दोस्तों अच्छे से हमारा कढ़ी रेडी हो चुका है। एकदम गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि बेसन ऐड करने के बाद ठंडा होता है ना कढ़ी, तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय बाय।